तो आखिर किसके ऊपर हत्या रचने की साजिश हो रही है? देखिए, बहुत साजिशन जो है ना, जी जी, यह एक साजिश को गढ़ा जा रहा है, आदरणीय चिराग पासवान जी को इशारा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं NBC 24। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार पशुपति पारस पटना आते हैं और रोड शो करते हुए हाजीपुर जाते हैं। वहां पर उन पे स्याही से हमला किया जाता है, उनके कपड़े पे स्याही फेंकी जाती है, मोबिल फेंकी जाती है, उसके बाद झंडे फाड़े जाते हैं, गाड़ियों पे हमला किया जाता है और फिर पशुपति पारस वहां से चले आते हैं। और एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें हाजीपुर का एक कार्यकर्ता है, पार्टी कार्यालय फ़ोन करके ये बोल रहा है कि चिराग पासवान के नाम पे भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है। क्या चिराग पासवान आ रहे हैं क्या? तो इधर से बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है, चिराग पासवान नहीं आ रहे हैं और चिराग पासवान के नाम पे जो भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है उनको वापस बुला लीजिए। पशुपति पारस की इतनी औकात नहीं थी कि वो अपने बल पर सांसद बन जाए। रामविलास पासवान का देन है कि वो सांसद बन गए। अब पशुपति पारस ने ये आरोप लगाया है कि उनकी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने जेड प्लस सिक्योरिटी का मांग की है और कहा है कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मांग की है कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरी हत्या करने की साजिश की जा रही है। इस संदर्भ में जब हम चिराग पासवान के गुट के प्रवक्ता चंदन सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो पहले सुनिए। हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ सर, NBC 24 से बोल रहे हैं। सर, खबर आ रही है कि पशुपति पारस ने हत्या की साजिश की आरोप लगाया है, अमित शाह से अपना सुरक्षा मांगा है। तो आखिर किसके ऊपर हत्या रचने की साजिश हो रही है? देखिए, बहुत साजिशन जो है ना, जी जी, यह एक साजिश को गढ़ा जा रहा है। आदरणीय चिराग पासवान जी को इशारा किया जा रहा है। अगर अगर इसको गौर से आप देखेंगे जी, तो कहीं कहीं ना कहीं एक उनके नेता और उनके प्रधान महासचिव मिलके एक केस का एक दौर स्टार्ट किए हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जी, और हम लोग की यह मांग है कि निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच हो जाएगी, क्योंकि सरकार भी इन्हीं की है, आदरणीय नीतीश कुमार जी इनके साथ हैं जी, और डबल इंजन की सरकार है केंद्र में भी जी, तो जांच करा लें। अच्छा, अगर ये जिस तरह से हाजीपुर में इनके ऊपर हमला हुआ था, तो इनका आरोप था कि वो चिराग पासवान के कार्यकर्ता थे, तो क्या ये सही आरोप है? देखिए, इस आरोप की पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ। ये कौन लोग हैं, कौन लोग इन पे स्याही फेंके और कौन लोग काला झंडा दिखाए जी, तो इसको तो मैं साबित नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता यह जांच का विषय है जी, और डबल इंजन की सरकार है, यह जांच कराएं कौन लोग थे, ये स्वतः कराया हुआ है या पहले से प्लांट किया हुआ है, जांच का विषय है। चंदन जी, एक ऑडियो जो है वायरल हो रहा है जी, जिसमें एक कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय फोन करके ये पूछता है और ये कहता है कि चिराग पासवान आ रहे हैं क्या। जिस दिन पशुपति पारस आने वाले होते हैं उस दिन हाजीपुर से फोन आती है और कहा जाता है कि चिराग पासवान के नाम पर हाजीपुर में भीड़ इकट्ठा किया जाता है। तो क्या लगता है पशुपति पारस मतलब भतीजे के आगे फीके पड़ गए क्या? देखिए, शुरू से पूरा देश जानता है कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी मास लीडर नहीं है जी। ये मैनेजमेंट में विश्वास करते हैं, कंफर्ट जोन का ये पॉलिटिक्स करते हैं जी। या वो नेता हैं जो अपने एसी रूम में बैठ के कार्यकर्ताओं पे रौब झाड़ते हैं, तो ये तो मास लीडर है नहीं। वो इनको भीड़ जुटाना है तो कहीं ना कहीं अफवाह फैला देना है कि आदरणीय चिराग पासवान जी आ रहे हैं, उस पे हाजीपुर में आप जानते हैं कि वह स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान की कर्म भूमि है, तो वहाँ पे लोग का जो वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी वहाँ की महान जनता ने दर्ज कराई है जी जी, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के नाम से ही भीड़ जुटाना चाहते थे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, मैं ऐसा मानता हूँ।
जी चलिए, लेकिन अब उनका ये आरोप है कि उनकी हत्या करने की साजिश की जा रही है। ये कौन लोग हत्या करना चाहते हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को मीडिया के समक्ष यह बताना चाहिए था, या उनको सिर्फ एक मंशा है कि जेड प्लस रोटी चाहिए जी। वाइस कैटेगरी का उनके पास ऑलरेडी पहले से है जी, और वह तब था जब हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री थे जी, तब उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली थी जी। अब तो वह स्वतः मंत्री हैं जी, वह प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में हैं जी जी। तो वायु श्रेणी के लें, जेड प्लस का लें या एसपीजी का लें जी, यह तो सब उन्हीं के हाथ में है। तो मतलब आप लोग भी ये मांग करते हैं ना कि इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है और रात दिन इस तरीके से, मतलब कि ये माना जाए कि चिराग पासवान के गुट वाले लोग भी ये चाहते हैं कि चिराग पासवान के चाचा की जो हत्या करने की साजिश हो रही है उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। हम इसी हत्या की बात नहीं कर रहे हैं, इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो महामहिम राज्यपाल के पास भी हम लोग गए थे ज्ञापन लेके जी जी। ये पूरे बिहार में दलितों की हत्या जिस तरीके से हो रही है जी जी, अभी आप देखेंगे कटिहार के डिप्टी मेयर की हत्या हुई जी, हमारे एक पूर्व प्रत्याशी अनिल उरांव की हत्या हुई जी जी जी। जिस तरीके से दलितों की रात दिन जो यह सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल 16 साल में जिस तरीके से हत्या हो रही है, सबकी जाँच होनी चाहिए और निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो सुना आपने, चंदन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, और ऐसा कुछ नहीं है। पशुपति पारस जानबूझ के ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उनको एक सुरक्षा मिल जाए और वो एक बड़े नेता की तरह दिखे। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।